हेलो गाइस, वेलकम टू सोवा गाइड, बेसिक गाइड। तो ये सोवा एक इनिशिएटर है जिसका काम है आपको आपके टीम को इन्फॉर्मेशन गैदर करके देना। जितना कम स्टार्ट ऑफ द राउंड ड्यूल्स लोगे और ज़िंदा रहोगे उतना आपके टीम के लिए अच्छा होगा, अपने बार इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो इसका फर्स्ट एबिलिटी है आउल ड्रोन, जो आपको कुछ एरिया क्लियर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ करता है। और इसका ड्यूरेशन नीचे जो सर्कल दिख रहा है वो कम हो रहा है उसका वाइट, तो उतना उसका ड्यूरेशन है। ये उस सेंटर में सर्कल दिख रहा है उससे आप एनिमीज को टैग कर सकते हो, डार्ट कनेक्ट कर सकते हो। और जितना ड्यूरेशन है उसमें आप अगर एक बार टैग किया और ड्यूरेशन बाकी है ड्रोन का, तो वापस राइट साइड में पावर दिख रहा है, तो फिर से आप और एक एनिमी को टैग कर सकते हो। इनिशिएट करते हो कैसे यूज़ करना है कि आप ड्रोन कर रहे हो, इतना ये ए शॉट का इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। इधर एनिमी दिखा, आपने उसको टैग किया, ड्रोन छोड़ दिया, मतलब आप ड्रोन कर रहे हो, तो आप ड्रोन करते हो तो आपको फुल टाइम ड्रोन का ड्यूरेशन जाने तक आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं। जैसे टैग किया, आपके पास अल्टीमेट है, एक्स दबाओ, अल्टीमेट यूज़ करो और उसको शूट करो। और अगर आपको लगा कि जेट या ओमन या फिर रेज उनका एबिलिटीज यूज़ करके आपके क्लोज आ रहे हैं, तो आप अल्टीमेट को रोक भी सकते हो एक दबा के। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्टीमेट कंटिन्यू रखना है और आप ऑफ गार्ड मिल जाओ उनको, तो वैसा भी नहीं होने देना है। आप शूट कर रहे हो और वो सामने आ गए, क्लोज कर दो रीपोजिशन और गन स्विच करके आप उनको हिट कर सकते हो। तो इसका सेकेंड एबिलिटी है शॉक डार्ट, शॉक बोल्ट। तो ये डैमेज करता है, एनिमीज को भी करता है और टीममेट को भी होता है इससे डैमेज। टीममेट को थोड़ा कम होता है, लेकिन एनिमीज को एग्जैक्ट, अगर एनिमी यहाँ खड़ा है तो सेंटर में उसको शॉक डार्ट लगा, शॉक बोल्ट लगा तो 90 डैमेज होता है। उसके अराउंड इधर लगा तो 60 या 40 होगा, और एकदम AOE के एंड में, एंड पॉइंट्स पे रहेगा तो 20 डैमेज होगा एनिमी को। और दो शॉक डार्ट से, शॉक बोल्ट से एनिमी मर जाता है। तो इसका है, आपको ये चार्ज बार दिख रहा है, ये जीरो चार्ज, ये वन चार्ज, ये टू चार्ज और ये फुल चार्ज। और नीचे जो राइट क्लिक से बाउंसेस आप इसके एडजस्ट कर सकते हो, सिंगल बाउंस, डबल बाउंस। तो आपको अगर पता है एनिमीज यहाँ पर है, आपको डायरेक्ट फेस नहीं कर रहा, ऑपरेटर खड़ा है वहाँ पे कोई, तो आप एक वन बाउंस ऐड करके ऐसा शॉक डॉट मार सकते हो, या फिर डबल बाउंस ऐड करके यूज कर सकते हो। आप अगर डिफेंडर हो तो अटैकर्स का प्लांट रोकने के लिए, नॉर्मली प्लांट का स्पॉट्स डिसाइडेड रहता है, तो बेसिक स्पॉट्स पे आप डबल शॉक डार्ट जहाँ से आप सेफ रहोगे, सेफ एंगल से यूज़ कर सकते हो, या फिर जो एंगल पे अपना बुलेट्स नहीं लगने वाला है, मतलब स्ट्रेट फाइट नहीं है आपको, लेकिन पता है कि वहाँ एनिमी हाइड है। अभी जैसे कि मैं साइड पे हूँ, यहाँ पे आके एनिमी हाइड है, तो इधर तो आप बुलेट्स नहीं मार सकते, तो उसके लिए ऐसा रिबाउंड यूज़ कर सकते हो शॉक डार्ट्स। और शॉक डार्ट्स अगर एनिमी इसके अंदर छुपा है, आपको पता है, तो यूजुअली क्या होता है, बाकी सब एजेंट्स का एबिलिटी मोलोटोव या नेट जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये स्पॉट पे आके ओपन होना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे चार मैप्स में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ पे और कौन सा एबिलिटी डायरेक्ट नहीं हिट करेगा, अल्टीमेट्स, कुछ अल्टीमेट्स को छोड़ के, तो उसके लिए आप शॉक डॉट्स यूज़ कर सकते हो। डबल बाउंस करके यहाँ पे हिट करोगे तो साइड के बीच में लगेगा, जो साइड के ट्यूब के अंदर जो हाइड हुआ है एनिमी उसको हिट करेगा। तो वैसे यूज़ करना है जैसे कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट जाके ड्यूल्स नहीं लेना है, आप पीछे रहोगे, थर्ड या फोर्थ रहोगे या फिफ्थ भी हो सकते हो, तो आपको ज़िंदा रहना है और आपके टीममेट्स को ऐसा हेल्प करना है। जो एरियाज में एनिमीज हाइड हो सकते हैं बेसिक एरियाज में, वहाँ पे आपको शॉक डार्ट से हिट करके एनिमीज को सॉफ्ट करके देना है। एनिमीज 150 HP रहेंगे तो उनको सॉफ्ट करके देना है, तो ड्यूलिस्ट जाके एक दो हिट में उनको
मार सकता है। इसका थर्ड एबिलिटी है रिकॉन बोल्ट, इसका भी वही फंडा है, चार्ज है जीरो चार्ज, वन चार्ज, टू चार्ज एंड फुल चार्ज। और इसको भी बाउंसेस है, वन सिंगल बाउंस, डबल बाउंस। तो रिकॉन कैसे काम करता है, क्या आप एक एरिया में शूट करते हो रिकॉन, जहाँ तक उसका वेव्स जा रहा है, इसमें से तीन वेव्स निकलते हैं, जहाँ तक उसका वेव्स जा रहा है उतना एरिया वो क्लियर करता है, और एरो को स्पॉट करता रहेगा कोई एनिमी वो रिवील हो जाएगा। एनिमीज इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, इसके रेंज में अगर एनिमी रहेगा तो वो स्पॉट हो जाएगा, अगर वो हाइड रहेगा एरो से तो वो रिवील नहीं होता है, वो स्पॉट नहीं होता है। तो बेसिकली इसका अर्ली राउंड यूज़ ऐसा करते हैं कि आपको अगर कौन सा एरिया का इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनिमीज क्या कर रहे हैं, कहाँ पे गैदर हो रहे हैं, कहाँ पे कितने पब्लिक स्टैक है, प्लेयर्स है खेल रहे वो एरिया में, वो जानने के लिए, तो इससे आपके टीम को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपका गेम प्लान डिसाइड करने में इजी होगा। आप अर्ली राउंड यूज़ कर सकते हो एरिया कंट्रोल लेने के लिए, या फिर मिड राउंड यूज़ कर सकते हो वही इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या फिर उनका एग्जीक्यूट के बाद, जैसे स्मोक एग्जीक्यूट हो जाता है, अभी मेरे सामने एल्बो पे स्मोक है, सिटी में स्मोक है, तो मैं बैक साइड खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे रिकॉन यूज़ किया मैंने, तो उसका वेव्स निकल रहा है, जितने भी एनिमीज हुका और बिलोंग से बाहर आएंगे वो वेव्स में आके डिटेक्ट हो जाएंगे और आप स्मोक के थ्रू उनको स्पैम कर सकते हो। अगर आप रिकॉन यूज़ कर रहे हो और रिकॉन अगर यहाँ पे ये एरिया में स्मोक है और रिकॉन यहाँ पे गिरा है उसके ऊपर स्मोक है, तो एनिमीज डिटेक्ट ही होने वाला है, एनिमीज रिवील नहीं होते, तो वो केयर करना आप कौन सा एरिया में रिकॉन यूज़ कर रहे हो। अभी मैंने एक शूट किया तो फिर से 35 सेकंड में ये वापस आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर से आप रिवील यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है आपकी टीम के लिए। मैप के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, मतलब यहाँ से बिलोंग पे भी रिवील हो सकता है, बी साइड भी रिवील हो सकता है, तो आप हेल्प कर सकते हो एक साइड से दूसरे साइड पर। और इसका अल्टीमेट है हंटर्स फ्यूरी, ये 7 और पॉइंट्स के साथ मिलता है, और इसका जो ये लाइन दिख रहा है रेडार में उतना तक का रेंज है, और एक हिट का डैमेज है 80, और ऐसे तीन हिट्स आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे एरियाज में सेम लेवल पे नहीं होता, जैसे कि मैं अभी साइड पे नीचे हूँ, हुक्का थोड़ा वन स्टेप अप है, फिर ये अप है, ये नीचे है, तो आप स्ट्रेट लाइन में जाता है अल्टीमेट। तो इसको अगर आप अगर साइड से या फिर सिटी से यूज़ कर रहे हो और हुक्का के लेवल पे जाके आपको मारना है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली स्पेस प्रेस करना है और फर्स्ट जिससे अपन फायर करते हैं वो क्लिक यूज़ करना है, तो आप एलिवेट हो जाओगे और वो लेवल पे जाके आप हिट कर सकते हो एनिमीज को। नहीं तो आप यहाँ से नीचे से मारोगे तो ऐसा रूफ की तरफ जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, ये एरिया में नहीं कनेक्ट होगा, तो वो एरिया में कनेक्ट करने के लिए आपको अल्टीमेट यूज़ करना है, स्पेस और फायर बटन साथ में दबाना है। और एक बात, अगर आपको अपोनेंट के सोवा ने टैग किया और वो आपके पास आपके ऊपर अल्टीमेट यूज़ कर रहा है, डैमेज कर रहा है, आपने आपको जैसे समझा कि टैग हुए हो, आप टैब दबा के चेक कर सकते हो कि एनिमी का अल्टीमेट भी है, उसने अल्टीमेट ऑन किया, तो आप ये यूज़ कर सकते हो तभी कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया से वो शूट कर रहा है, तो आप भी एक दबा के अल्टीमेट यूज़ कर सकते हो और एलिवेट होके उसको मार सकते हो। ये प्रैक्टिस के बाद ही आता है, इंस्टेंट नहीं होगा, सो कीप प्रैक्टिसिंग। और जितना देर आप सोवा खेलते रहोगे उतना नया नया चीज़ें पता चलती रहेंगी, तो मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ डे बाय डे, आप भी करो, सीखते रहो। और सोवा खेलने के लिए पेशेंस चाहिए, जितना ड्यूरेशन आप अलाइव रहोगे उतना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर कर पाओगे और टीममेट्स के लिए ईजी हो जाता है। अगर अर्ली राउंड अपर आप ड्यूएल्स लोगे और मर जाओगे तो पूरा वेस्ट कर दोगे, आपकी टीम को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। आप ड्यूएलिस्ट नहीं हो, इनिशिएटर हो, सिर्फ इनिशिएट करके देना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है,
उसके हिसाब से ड्यूल्स लेंगे। और इसका लाइनअप्स मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये बेसिक है सो स्टार्ट करने के लिए सही रहेगा समझने के लिए सो एजेंट को। बाय बाय गाइस।